प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहे, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, इसके बारे में बातचीत करते हैं। क्या होता है कि वर्तमान काल में हम जीवन जीते ही नहीं है, प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहते ही नहीं है। क्यों ऐसा मैं बोलता हूं, क्योंकि जो भी घटनाएं हमारे आसपास में हो रही है उसका कंटिन्यूअस अर्थ हम लगाते रहते हैं। जो भी हो रहा है उसका एक तो जो अर्थ लगाएंगे वो पास से लगाएंगे, और पास से लगाएंगे तो पास में जो भी कुछ अनुभव आया हुआ है वो अनुभव, वो तजुर्बा, वो पास, वो भूतकाल जो है वहाँ से अर्थ लगा के हम दुखी होंगे। या यदि भविष्य का अर्थ कुछ लगाते हैं, उसको भविष्य के बारे में सोचते हैं वो घटना के बारे में, तो फिर चिंता होगी, एंग्जाइटी होगी, टेंशन होगा, वरी, भय, चिंता, मतलब इस तरह की इमोशंस आते रहेंगे। स्थित प्रज्ञता ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। आइसोलेशन, अकेले रहना, अकेलापन हमें चलता ही नहीं, कुछ ना कुछ चालू रहना चाहिए अंदर। मतलब अकेलापन होना, अकेले रहना, अकेलापन महसूस होना और अकेले खुद होके रह सकना, ये दोनों में फर्क है। जब खुद होके अकेला रहता है कोई व्यक्ति तो वो खुशियाँ महसूस कर सकता है, क्वाइटनेस महसूस कर सकता है, शांति महसूस कर सकता है। अकेलापन जिसको लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अकेलापन है, आइसोलेटेड हूँ, आइसोलेशन में हूँ, तो वो दुखदायक और क्लेशदायक होता है। अकेला क्यों नहीं पसंद कर रहा, क्योंकि कंटिन्यूसली विचार चालू रहते हैं हमारे दिमाग में, कंटिन्यूस विचार चालू, 500 से 600 थॉट्स कंटिन्यूसली एक के पीछे आ रहे, 50,000 से 60,000 थॉट्स दिन भर में आ रहे और वो कुछ ना कुछ अर्थ लगाते जा रहे हैं। क्या हम इस तरह का जीवन जी सकते हैं बाय प्रैक्टिस, कि जो भी हो रहा है उसको ना जजमेंट करे, कुछ जजमेंट नहीं करना है, कुछ भी घटनाएं हो रही है उसको जज ना करे, अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, वो जैसा हो रहा है वैसा हम देख रहे हैं, उसको बोलते स्थित प्रज्ञ या शून्यावस्था। कुछ भी उसका मीनिंग निकालना नहीं है, क्या हम ऐसा रह सकते हैं? या फिर जब मीनिंग निकालना ही है, क्योंकि हमारी यह मीनिंग मेकिंग मशीन है, कंटिन्यूसली मीनिंग चालू रहते हैं, अर्थ निकालना शुरू रहता है, तो फिर जब मीनिंग निकालना ही है तो फिर क्या मैं एक ऐसा मीनिंग निकाल सकता हूँ कि जो मीनिंग एक अच्छा मीनिंग है, संभावना का मीनिंग है, एक पॉजिटिव मीनिंग है, कुछ तो भी संभव है ऐसा मीनिंग है, राधर दैन ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं, ये बेकार है, ऐसा वो मीनिंग लगाना है कि नहीं, कुछ तो भी संभव है, सब कुछ संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल, क्या वो मीनिंग लगा सकता हूँ? तो वो मैं मीनिंग लगा सकता हूँ बाय चॉइस। तो एक तो मीनिंग ही मत लगाओ, जो हो रहा है वैसा देखो, जस्ट ऑब्जर्व, जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, ऑब्जर्व करो तो आपको मन को बहुत शांति आ जाएगी, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत खुशी आ जाएगी। और नहीं तो फिर जब लगा नहीं मीनिंग तो बहुत खुशियों का मीनिंग, अर्थपूर्ण मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग, सकारात्मक मीनिंग, भविष्य में अच्छा होगा ऐसा कुछ मीनिंग, ऐसा कुछ भी लगाओ ताकि उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, आप प्रेरित हो जाओगे, आपको दिल को बात छू जाएगी और लोगों को भी छू जाएगी, उससे अपनी तरक्की होगी। तो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है कि जस्ट एक्सेप्टिंग द वे यू आर एंड द वे यू आर नॉट, आप जैसे हो वैसे हो, जो गुण है वो गुण के साथ में खुद का स्वीकार करो, जो अवगुण है उसके साथ में स्वीकार करो, खुद के ऊपर प्यार करो, लोगों का स्वीकार करो जैसे है वैसे उनका स्वीकार, वो जैसे अवगुण है जैसे नहीं है वैसे उनका स्वीकार और प्यार करो, तो आप हरदम 24 घंटे सुखी जीवन जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।